हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो इन तीनों बीस्ट के बीच में है। बीस्ट तो बोल सकते हैं, बट ये बेचारा बच्चा इन दोनों के बीच में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे पावर फिगर से देखा जाए तो बुलबुल का बच्चा है। तो अभी जो है आपको गाड़ी दिखाते हैं एंड बताते हैं पावर क्या क्या है तीनों में। सो यहाँ पे आप बाइक देख सकते हैं, तीनों का लुक अलग अलग है। बाकी प्यारी सबसे ज़्यादा यही लग रही है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी, क्योंकि दाम भी इसका ज़्यादा, भाई 3 लाख के आसपास अप्रॉक्स जाती है। ये अभी डिस्काउंट में 2 लाख कुछ में मिल रही है और ये आपको 2 लाख की आती है। पावर फिगर की बात करें तो पहले पावर फिगर कम से करते हैं, 24 PS। टॉर्क आपका इसका लगभग 19 के आसपास आता है, 24+, ठीक है, 24.5 26 टॉर्क है आपका। ये 30+ आपका PS आ जाता है एंड टॉर्क 27। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस तीनों का रहने वाला है। पावर फिगर से तो ये सबसे ज़्यादा आगे, बट फिर भी भगा के देखेंगे और देखेंगे कौन होता है इन तीनों में विनर। तो चलो मिलते हैं गोप्रो पे और दिखाते हैं कौन होता है विनर। बाकी लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा तीनों का लुक लग रहा है। तो चलो लेट नहीं करते हैं, मिलते हैं गोप्रो पे और भगाते हैं और देखते हैं कौन होता विनर। तो चलो देखते हैं कौन होता विनर। ट्रैक्शन कंट्रोल इसकी ऑन हो गई थी। क्या लगता है ये सीबी को पकड़ पाएगी या नहीं? यहाँ पे काफी तगड़ा खींचा, पीछे वो दोनों छूट चुके हैं। यहाँ पे विनर जो थी वो आपकी CB 300R हुई
और टॉप स्पीड 157 गई। अभी जो है रोक लेते हैं और बताते हैं क्या रहा, क्योंकि बीच में व्हीली उठा था अपनी एफ का, आर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म की, बाकी थर्ड रही आर एस डे, थर्ड यही रही 157। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया था ना। अच्छा, मैंने जैसे लॉन्च किया हाँ। बाइक ट्रैक्शन ऑन हो गया, बाइक पावर छोड़ दी, वही मैं सोचा भाई पावर ड्रॉप कैसे हो गया, स्टार्टिंग में पीछे हो गई थोड़ी, वही ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से। लेकिन चलो परफॉर्मेंस तो सेम ही रहा। 154 ऑन कैमरा। और ये कितने के मिला ये 157 गई थी हाँ, नहीं तो मैं भी ले गया 157। ये भी ले गया था, मैं भी 157 ले गया। तो भाई अभी तो मज़ा पता कब आएगा, जब इसमें R5 डालते हैं, R5 डालेंगे हाँ, हो सकता मज़ा आए। R5 करके हम देख सकते हैं, CB 300 से ठीक है, वो कर लेंगे, हो सकता कर लेंगे एक बार सिंगल वन वे में, उन दोनों में कंपेरिजन करो भाई। स्विफ्ट लेने पे 154 गई थी, बट स्टिल भाई 152 पे ना एक बार लिमिटर आई उस पे। अच्छा, उसके बाद फिर अचानक से 154 फिर नीचे। नहीं नहीं तो परफॉर्मेंस ठीक है, 150 प्लस जा रही है। सो यहाँ पे आपने देखा जैसा रिजल्ट स्टार्टिंग में, जैसा स्मिथ ने बताया उसका ट्रैक्शन ऑन हो गया था, बट टॉप जो है 154 तक गई, 157 गई, आगे और जाएगी थोड़ा सा ऊपर, विंड ब्रांच ज़्यादा आ जाता है, 160 प्लस जाएगी, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहा ये कहीं से, मतलब इन दोनों के बीच में तो ये जैसे बोलते हैं ना, निकल गई तो निकल गई। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि अगर टॉप में रोलिंग करे तो टक्कर हो सकता है टॉप के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो 150 प्लस जाती है, ये पता है BS6 वाली 147 146 पे ख़त्म हो जाती है हाँ। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है कि भाई वो बाइक जिस 2 लाख रुपया में अभी आ रही है और ये भी आपको आ रही है, तो परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई कैसा परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट लेवल परफॉर्म वो कर रही है हाँ। लेकिन RS की भी बात अलग है, RS की बात अलग है, बट फिर भी देखा जाए तो काफ़ी तगड़ा एक्सीलरेशन से लेकर टॉप तक है। तो चलो यहाँ पे आपको रिजल्ट आज मिल चुका है कि फर्स्ट आपकी ये होती है, सेकंड वो होती है और थर्ड RS होती है। चलो इसी तरीके से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।